स्वाद में दोस्त फुल एचडी में कॉमन में पढ़ेंगे हेलो एरिका। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हमारा बेंजीन का लिंक है दोस्त। 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है और बीच में एक ठो गोला है। यह गोला दोस्त पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहलाता है। 6 कार्बन के एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग बेंजीन बोलते हैं। इस कंपाउंड का नाम बेंजीन हो गया। और बेंजीन का दूसरा नाम दोस्त मेरा फिन होता है और बेंजीन का तीसरा नाम आपका फाई होता है। ये फाई बेंजीन को हम दोस्त ऐसे भी लिखा सकते हैं, ये कॉम्पिटिशन के लिए यूज होता है। अगर देखो दोस्त, बेंजीन के रिंग से जब एक हाइड्रोजन एटम को हटाते हैं, ये बेंजीन का रिंग में एक खाली बॉन्ड जनरेट रहता है। इसी ग्रुप को बोलते हैं दोस्त फिनाइल ग्रुप। ये हो गया मेरा फिनाइल ग्रुप। यही देखिए दोस्त, यही फिनाइल ग्रुप चारों ग्रुपों को फिनाइल ही दिख रहा है। इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त मेरा फिनाइल। यहाँ पर लिखिए फिनाइल। और इस खाली बॉन्ड में दोस्त फ्लूरो ग्रुप लगा हुआ है, तो फ्लूरो ग्रुप को कॉमन नेम में फ्लूराइड बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त फ्लूराइड। जब बेंजीन के रिंग पर फ्लूरीन ग्रुप लगाओ तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में फिनाइल फ्लूराइड बोलते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पे फिनाइल, ये हमारा फिनाइल ग्रुप है। यहाँ पर लिख दिया फिनाइल ग्रुप। तो जब फिनाइल ग्रुप में Br लगा हुआ हो तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा फिनाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त फिनाइल ब्रोमाइड। इस ग्रुप का नाम दोस्त फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर लिख दिए फिनाइल। और इस फिनाइल ग्रुप में लगा हुआ क्लोरो ग्रुप, यहाँ इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनाइल क्लोराइड। यह कंपाउंड में हमारा दोस्त फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पर लिख दिए हम फिनाइल ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इस फिनाइल ग्रुप में लगा हुआ है यहाँ पर आई ग्रुप। आई को बोलते हैं आयोडो और कॉमन में बोलते हैं आयोडाइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त आयोडाइड। तो 4 फेमस कॉमन नेम है दोस्त हेलोएरिन का। एक फिनाइल फ्लोराइड है, दूसरा फिनाइल ब्रोमाइड है, तीसरा फिनाइल क्लोराइड है और फोर्थ आपका फिनाइल आयोडाइड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है। यहाँ पर बनानी है बेंजीन का रिंग। तो जब दोस्त बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ हो मिथाइल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त गोलू मोलू टोलू। मतलब इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका दोस्त टोलविन। यहाँ पर लिखी है टोलविन। अरे दोस्त टोलविन का 3 बच्चा है, यू के मेरा टोलविन दोस्त। और टोलविन से दोस्त हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे। देखिए दोस्त, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन को बोलते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम दोस्त बेंजाइलिक कार्बन के पास रहने वाले 3 हाइड्रोजन को हटाएंगे। जब हम लोग दोस्त 1 हाइड्रोजन को हटाते हैं तो बेंजीन के रिंग पर CH2 ग्रुप बचा। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर CH2 ग्रुप बचा। कार्बन के पास दोस्त 4 बॉन्ड होता है, 2 और 1 3 बॉन्ड है, तो एक तो यहाँ पर खाली बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, फिर बेंजाइलिक कार्बन से 1 हाइड्रोजन को हटाएं, अब हम लोग 2 हाइड्रोजन को हटाएंगे। ये हम लोग दोस्त 2 हाइड्रोजन एटम को हटा दिए। तो बेंजाइलिक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन में से अगर 2 हाइड्रोजन चल गया तो बचेगा 1 हाइड्रोजन। योग्य हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग के पास दोस्त 1 हाइड्रोजन बचा, 2 हाइड्रोजन हटाए तो 2 ठो खाली बॉन्ड आ गया। अब लोग दोस्त बेंजाइलिक कार्बन के पास रहने वाले 3 हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। यहाँ पर दोस्त 3 हाइड्रोजन को हटा दिए, तो बेंजीन का रिंग था तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दिए। बेंजाइलिक कार्बन था तो बेंजाइलिक कार्बन लिख दिए। 3 हाइड्रोजन हटाए दोस्त, यहाँ पर 3 खाली बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, बेंजीन के रिंग पर जब बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन रहते हैं दोस्त, तो उसको बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल ग्रुप।
और जब बेंजाइली कार्बन के पास एक हाइड्रोजन रहता है ना, तो उसको बोलते हैं बेंजल ग्रुप। यहाँ पर लिख दिए दोस्त बेंजल ग्रुप। और जब बेंजाइली कार्बन के पास जीरो हाइड्रोजन होता है ना, तो उसको बोलते हैं बेंजो ग्रुप। यहाँ पर लिख दिए दोस्त बेंजो ग्रुप। मानते दोस्त इस खाली बोर्ड में अगर सी एल लगाओ, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अगर इस खाली बॉन्ड में ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा दोस्त बेंजल ब्रोमाइड। और अगर इस खाली बॉन्ड में दोस्त क्लोरो ग्रुप भी लगाओ, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा आपका बेंजो क्लोराइड। यहां पर देखिए दोस्त, जब बेंजीन के रिंग पर मिथाइल ग्रुप था, तो इस कंपाउंड का नाम किया टॉल्विन। और जब टॉल्विन से एक हाइड्रोजन हटाए तो बेंजाइल ग्रुप प्राप्त हुआ, दो हाइड्रोजन हटाए तो बेंजल ग्रुप प्राप्त हुआ, और तीनों हाइड्रोजन हटाए दोस्तों बेंजो ग्रुप प्राप्त हुआ। तो बेंजाइल में जब क्लोरीन लगा तो बेंजाइल क्लोराइड बन गया, बेंजल में जब ब्रोमीन लगा तो बेंजाइल ब्रोमाइड बन गया, बेंजो में जब क्लोरीन लगा तो बेंजो क्लोराइड बन गया। ये सभी दोस्त बहुत ही फेमस कंपाउंड है, हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने लिखने के दौरान हमेशा यूज होंगे दोस्त। तो ये सबको रट लीजिएगा, जब लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे ज्यादा दोस्त रखिए नई चीजों को, लिख के कॉपी में आप प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दोस्त, ये तो हम जान रहे हैं मेरा टॉल्विन है, तो टॉल्विन के अगल बगल कार्बन को ऑर्थो पोजिशन बोलते हैं, और ये हो गया हमारे दोस्त अल्टरनेट कार्बन। तो अल्टरनेट कार्बन को दोस्त हम लोग मेटा पोजिशन बोलते हैं, और ये हो गया हमारा डायगोनली अपोजिट कार्बन, इसको हम लोग दोस्त हमेशा पेरा पोजिशन बोलते हैं। तो ऑर्थो का सिंबल होता है दोस्त स्मॉल और हाइफन, मेटा का सिंबल होता है स्मॉल एम हाइफन, पेरा का सिंबल हो गया स्मॉल पी और हाइफन और माथा पटको। देखिए यहाँ पे दोस्त, जब हम लोग दोस्त एरोमेटिक कंपाउंड को कॉमन नेम लिखते हैं ना, तो तीन प्रीफिक्स यूज करते हैं, एक ऑर्थो, दूसरा मेटा, तीसरा हम लोग पेरा का यूज करते हैं। ये देखिए दोस्त, ये मेरा बेंजीन का रिंग हो गया, और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है CH3 ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम तो दोस्त टॉल्विन हो गया अभी तक। अब मान लीजिए टॉल्विन के ऑर्थो पोजिशन पर एक और मिथाइल ग्रुप आ गया। देखिए दोस्त, इस कंपाउंड का टॉल्विन के अगल बगल कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा, मतलब लोग यहाँ पे ऑर्थो प्रीफिक्स यूज करेंगे। ये हो गया मेरे दोस्त ऑर्थो प्रीफिक्स। और जब टॉल्विन के बगल वाला कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगाओ, तो उसको बोलते दोस्त जाइलिन। इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त जाइलिन, पूरा नाम हो गया ऑर्थो जाइलिन। अगर ये मिथाइल ग्रुप अल्टरनेट कार्बन पर लगा होता, इसी कंपाउंड का नाम हो जाता दोस्त मेटा जाइलिन। और यही मिथाइल ग्रुप दोस्त अगर डायगोनली अपोजिट पोजीशन पर लगा रहता, इसी कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाता दोस्त पेरा जाइलिन, पेरा जाइलिन। देखिए दोस्त, ये मेरा बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ सीएल ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम है दोस्त क्लोरो बेंजीन, और कॉमन नेम है फिनाइल क्लोराइड। देखिए दोस्त, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, सीनियर कार्बन को हम दोस्त रिफरेंस पॉइंट बोलते हैं, चाहे इनिशियल कार्बन भी बोल सकते हैं। तो सीनियर कार्बन के अगल बगल वाले कार्बन को ऑर्थो पोजिशन मानते हैं, और अल्टरनेट कार्बन को मेटा पोजिशन मानते हैं, और डायगोनली अपोजिट पोजिशन को हम दोस्त पेरा पोजिशन मानते हैं। ये हो गया मेरा दोस्त बेंजीन का रिंग, यहाँ पर बना दिया बेंजीन का रिंग। ये हो गया मेरा क्लोरो ग्रुप, इसका नाम हो गया क्लोरो बेंजीन। मानते दोस्त कि हम लोग बगल वाले एडजेसेंट पोजिशन पर लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप। देखिए दोस्त, अगल बगल वाले कार्बन को दोस्त हम लोग एडजेसेंट पोजिशन बोलते हैं, अल्टरनेट कार्बन को हम लोग
अल्टरनेट कार्बन को दोस्तों अल्टरनेट पोजिशन बोलते हैं, और डायगोनली अपोजिट पोजिशन को हम लोग पैरा पोजिशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त, क्लोरो बेंजीन के ऑर्थो पोजिशन पर एक और क्लोरो ग्रुप लग गया है। इस कंपाउंड के लिए ऑर्थो प्रीफिक्स यूज किए, दो क्लोरो है तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग दोस्त ऑर्थो डाई क्लोरो, ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर लिख दिए दोस्त बेंजीन। तो जब सिंगल कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगाओ, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। यही क्लोरो ग्रुप दोस्त अगर अल्टरनेट पोजीशन पर लगा होता तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाता दोस्त मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। अगर यही क्लोरो ग्रुप डायगोनली अपोजिट पोजीशन पर लगा हुआ रहता तो इसी कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाता दोस्त यहाँ पे पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ओके दोस्त, ठीक है दोस्त, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा CH3COCl। ठीक है दोस्त, दो कार्बन के लिए कॉमन नेम है एसिड लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए एसिड। खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए YL, तो मिथाइल क्यूटो ग्रुप को दोस्त हम लोग एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, और इसी एसिटाइल ग्रुप में अगर CL ग्रुप लग गया तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा दोस्त एसिटाइल क्लोराइड। कंपाउंड नाम क्या जाएगा दोस्त एसिटाइल क्लोराइड। इस तरह दोस्त फुल HD में कॉमन नेम हेलोइन का क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।